हमारी शुभकामनाएं गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धू जी, इस बार मैं गणपति जी की स्थापना कर रही हूँ और मैंने घर में ही प्रसाद बनाया, इसीलिए कोई भी ऐसे ही नहीं जाएगा, सब के सब मेरे हाथ में हजार हजार रुपए दे के जाएंगे चंदे का। पता है आपको मैंने गणेश जी की स्थापना क्यों की? ताकि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वैसे तो इस उम्र में मेरी कोई खास मनोकामना है नहीं, बस बेचारे कप्पू का अकेलापन मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ, गणेश जी जल्दी से कप्पू को एक नाना दे दे। I love you. खैर, मंडप सजाने वाले को बुलाई थी मैं, आया क्यों नहीं अब तक मोया? Excuse me. हाँ जी, यहाँ पर एक बदतमीजी बुढ़िया है पुष्पा, उसका नाम है, आप बता सकते कहाँ पे मिलेंगे वो? मैं ही हूँ पुष्पा। हे पुष्पा, आप कौन? मेरा नाम है जी अरेंज कुमार, हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करता है? हाँ जी। पहले अपनी मूंछों की सेटिंग कर, तेरी राइट वाली जो है ना लेफ्ट से 10 मिनट पीछे चल रही है। और कुछ नहीं, उनको फ्रीडम दी हुई हमने, आप टेंशन ले, आपको पता है मैं हर तरह की सेटिंग कर लेता हूँ। आपको पता है वो हांगकांग का, वो पहले खाली खाली हॉन्ग था, कॉन्ग हमने सेट करके दिया है उनको। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आपको क्या अरेंज करवाना है? ये आप देख रहे हैं ना, गणेश जी की स्थापना की है हमने, है ना, तो इनके पूजा के लिए मुझे पूजा की जो सामान होते हैं ना उसकी जरूरत है। पूजा के लिए अगर सामान चाहिए तो पूजा से लेते, मुझे कॉल क्यों की आपने? पूजा करने के लिए, पूजा करते हैं ना, टिंग 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 टिंग, उसके लिए जैसे अगरबत्ती है, कपूर है। मिल जाएगा कपूर? कौन सा चाहिए, ऋषि कपूर चाहिए, रणवीर कपूर चाहिए? ए, बिना डेटा के 4G मोबाइल वाला कपूर नहीं, अच्छा चलाने वाला कपूर। ओहो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगा, उसके साथ हम आपको समंदर भी देंगे 4 बच्चे का। मेरे गनु बाबा जो है ना वो इको फ्रेंडली है, इनको तो हम घर में ही विसर्जन कर देंगे। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो मंडप होगा ना, मंडप बनेगा जी जी। उसके लिए गुलाब का फूल ला दो बस। तो हो जाएगा, गुलाब का फूल भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको गेंदे का फूल देंगे और खुशबू हम आपको गुलाब की डाल देंगे उसमें। गेंदे के फूल से गुलाब का खुशबू कैसे? डीओ रखे हुए ना हमने, कोई भी खुशबू चाहिए होगी हम उसमें फेंक देंगे। आप ये बताइए लाइट का क्या अरेंजमेंट, लाइट कैसी चाहिए आप? लाइट तो ऐसी होनी चाहिए जी कि रात में भी दिन लगे। कोई बात नहीं, हो जाएगी, हम सूरज से स्टे ले लेंगे, 11 बजे तक उसको रोक लेंगे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो तू गन्नू बाबा से कुछ सद्बुद्धि क्यों नहीं ले लेता बे? जब से आया छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, सूरज को कौन सकता है यार? बाप का माल है, और सूरज मेरे लाइट मैन का नाम है, मेरी बड़ी सुनता है। हो जाएगा, आप ये बताइए आपको लाइट कितने वोल्ट की चाहिए, 20 वोल्ट की चाहिए, 50 वोल्ट की चाहिए, 100 वोल्ट की चाहिए? मेजरमेंट तो मुझे नहीं पता, हिसाब से तू ही लगा ले। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, हाँ बल्ब पकड़िए। आप डांस क्यों कर रही हैं? डांस नहीं कर रही। क्या करें आप? इलेक्ट्रिक का झटका लग रहा है। हेलो हेलो, अरे डॉक्टर डॉक्टर, अरे यार कोई डॉक्टर को बुलाओ। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर मशूर गुलाटे, GBM GBM मतलब गणपति बाप्पा मोरिया। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं बिल्ली हूँ। अच्छा। मैं ही डॉक्टर हूँ यार, ये व्हाइट कोट पहना हुआ है। नानी 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 नानी, पंडित जी नहीं आ रहे हैं। देखो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, कहते हैं पंडित जी नहीं आ रहे हैं, उनको पता है भी मेरी दवा से तो काम होगा नहीं, तो दुआ की जरूरत है ना, पंडित के पास चलेगी। वेरी नाइस यार, इनको होश में लाइए, ये मुझे बिना एडवांस दिए चली गई हैं। ये बेहोश है? हाँ जी। हाँ तो मैं लाती हूँ ना होश में, एक मिनट हटिए। मुझे जुराब किसने सुंघाया? नहीं, जुराब किसी ने नहीं सुंघाया, दिस इज सेल्फ मेड ऑक्सीजन। और आपको पता है पंडित जी नहीं आ रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि पिछली बार जब वो आए थे तब आपने उनकी दक्षिणा छीन कर उनको गले पे काट लिया था।
खैर छोड़, ये बता तुझे मोदक लाने के लिए कहा था ना, मोदक कहाँ है? हाँ वो तो कहीं गिर गए। तेरे पेट में गिरा होगा मोदी। अब आप बात सुनो, आप बिल्ली को कहोगे कि दूध ले आ, वो तो रास्ते में पिएगी ना। वो घूमने वाली छतरी लाने वाली थी, क्या हुआ, किधर है वो? वो घूमने वाली छतरी मैं ही ला रहा था, वो रास्ते में घूम गई। अरे ये तो छोड़ो लाले, इसको छोड़ो, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं क्या कहती हूँ, गनु बाबू को अंदर लेके जाते, स्थापना करते, सजावट करते, उसके बाद देखते। ए तू दूध लाई? हाँ तो दूध मैं मंगा लेती हूँ ना। ए चंदू जरा दूध लाना। अभी लेकर आया। चंदू तू? हाँ ऑर्गेनाइजर बनकर तू हमें लूटना चाहता है मोया? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं भी कहूँ ना, ये मूंछ ऐसी होती है, ऐसे इसी जैसी मूंछ किसकी होती है भाई? देखो मेरा काम थोड़ा ढीला चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ी सी डकैती मार लेता हूँ। मैं तेरी ना, एक मिनट मेरा हाथ छूट चुका है। अभी जोड़ ले हाथ जोड़ ले। गनु बाबा के सामने ऐसा नहीं करते। आज अच्छा दिन है, तुझे माफ कर दिया हमने। चलो पहले गनु बाबा को अंदर लेके चलते है। हाँ? आ जाओ। एक दो तीन चार, गणपति जी की जय जयकार। पाँच छः सात आठ, गणपति है हमारे साथ। नौ दस ग्यारह बारह, गणपति है सबसे प्यारा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। We had a game of golf today. Papa, देखो तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। What a busy and freaky day. Hi, I'm Dr. Mashoor, Gulati, JCC, JCC. JCC, JCC मतलब? आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं सब? कपू, इतने सारे गेस्ट बैठे और तुम अपने होने वाले ससुर से ऐसे बात कर रहे हो? किसने कह दिया मेरा होने वाला ससुर है? मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे से बिल्कुल नहीं शादी करनी। अरे बात भाई, ये इतने खराब लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं? ये डॉक्टर है ना, मिड डे मील के चक्कर में अपनी बेटी को बड़े नहीं होने दे रहा, रोज जाती है लेके आती है। सो चीप पीपल। मैंने कितने बार कहा कि जो महंगा टूथपेस्ट होता है कप्पू, दोनों के मुंह नहीं लगना। बट तो मेरी बात सुनते नहीं है यार। लाइन मारनी है ना तो इन पे किसी पे मार ले। ये अरबाज साथ बैठे हुए, इनके ऊपर लाइन मारना। इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो नवाज उनके ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी शादी हो चुकी। अच्छा अच्छा, तो सोहेल जी के ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी हो चुकी है। तो एमए के ऊपर लाइन मार ले फिर। पापा बहुत ज्यादा फालतू की बात कर रहे हैं। सरला चल जाके अंदर बीड़िया बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आएगा मारेगा। क्योंकि बेटे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। I mean, you know what? I went for a game of golf and we were playing. मेरे इतने खराब पत्ते आए, मैं सारी गोल्फ हार गया। बादशाह इतना तो मेरा पढ़ा ही नहीं ना। सारी गोल्फ मेरा कचरा हो गया। पापा? हाँ जी। गोल्फ में पत्ते नहीं होते, आप जुए में हारे थे। मेरे को पता है बेटा, गोल्फ में लेकिन हमने शर्त रखी हुई थी कि जो जुए में जीतेगा ना वही गोल्फ का विनर होगा। अब थोड़ी देर चुप रहिए। थैंक यू सोहेल सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा मजेदार लगा मुझे। एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि पहली बार पाजी किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है। तेरी फेवरेट कहां से होगी? गोल्फ को तेरा तो वो फेवरेट है ना, वो बंदर के साथ शर्त लगा के दूसरे के जुंगे निकालना। कुछ भी बोलती है भाई ये। गोल्फ मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि किसी जमाने में मेरे पापा गोल्फ मास्टर हुआ करते थे। और मैं? नहीं पापा। हाँ पापा आप? बेटे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले मुझे बता तो दिया करना। नहीं मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूं। उस दिन जब हम फीकी अली का ट्रेलर देख रहे थे, आप ही ने बोला कि मैं अपने जमाने में गोल्फ मास्टर हुआ करता था और ये फिल्म मेरे ऊपर बनी है। वो तो मैं झूठ बोल रहा था ना। देखा बात भाई, ये ऐसे ही लोग हैं एक्चुअली, मैं इसलिए मुंह लगाता, एक दूसरे में लग रहे थे बड़ी यही गोल्फ मेरा फेवरेट है। कपू तुम शक लगा लो, आज यहाँ सबके सामने अगर मैंने सबको गोल्फ में हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे। चलो ठीक है डन। चलो
Papa. Yeah, I will make the field here. Papa. And first, आइए सबसे पहले देखते हैं कौन गोल्फ खेलेगा. पुग लेते हैं. पुग लेते हैं. आइए सर. आइए सर. आप आइए. पुग लेते हैं. When you let chat. नवाज साहब आप आइए यहाँ पे. नवाज जी. अच्छी वाला. डालूं? डालो डालो डालो. सिद्धू साहब बताएंगे मेरे को. बकरी की तरफ जा रही है. बकरी की तरफ जा रही है. आइए सर. सुहेल साहब जोरदार तालियां फॉर द नेक्स्ट प्लेयर. अरबाज भाई की बारी. मतलब इतना सा फर्क रह गया. अरबाज सर आइए. आप आइए प्लीज. ये ट्राई करते हैं. चलो सर. एमी. तो शादी आपकी बेटी की होनी है. एमी क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? शकुन के तौर पे साली भी तो चाहिए होगी ना. कपिल मैंने तो जानबूझ के नहीं ना डालनी. वो हिल रहा है. वो हिल रहा है. स्टार्ट लेना. ये बॉलिंग करा रहे हो. नो आसपास था. शुक्र नहीं हुआ. चलना बेटे. Very nice. Very nice, bete. Very nice. Ye cheating ho rahi. This is not fair. Hey, shaadi ho gayi. Cancel. Very nice. Main to chahta bhi nahi tha ki aap mere damad bane. Aur is khushi mein everybody please let's celebrate because the wedding is not happening. Aiye baithiye bhai. But डर साहब इधर आइए. आप चलिए उधर. दबाओ जाइए यहाँ से. बट कीप कमिंग फॉर द रेगुलर चेक. सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है. सो आज का मुद्दा है कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं. सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सोहेल खान. जोरदार तालियां के लिए. बी विंग से अरबाज खान. सदीकी से नवाज. और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन. जोरदार तालियां. डिबेट शुरू करते हैं. आए, कहां से शुरू करते हैं? हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी यही बहुत बड़ा स्वागत है. ऐसे नहीं होता है. हमको इंड्यूस कीजिए. अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे. देखिए हम ये छोड़िए इनसे मिलिए. ये है खोजी से रिंकू भौजी. और ये है. हाँ तो ये है कि आगे बोलिए. अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है. हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं. हम है संतोष. अच्छा हमारा सवाल है फैजल से. आपने वो बाप का भाई का दादा का उस सब का बदला ले लिया तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? ओ हमारे सपने में आए थे हम पप्पी कर लिए थे इनको. ये तो. तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? तो पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे. तो
रिंकू जी ऐसी बातें नहीं करनी, आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कप्पू शर्मा, आपका जो सकल है ना, सकल ही मनहूस है। अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते, कप्पू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो मैं आ गया। मैंने बेटा तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मार रहे हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश रोड़ा ने। ए राजेश जी आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शकीन हूँ। अच्छा मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घुंघरू उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं अरबाज खान, रोहेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूँ। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया, मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे मैं आपको एक बात करी भूल गया, जी जी आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही रहा लड़का खड़ा है, लगा किसी ने तुक्का है। बेटे आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चंदू साहब मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं, मैं अद्धू। रिंकू भौजी आपका सकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू कद्दू यार क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया, ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे एक बात बताओ जी, तुम सच में जेब कतरे हो जगली ऐसी है? बेटे मैं एक बात बताता हूँ, सुनील साहब मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपको वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे एक्चुअली मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच। लेकिन एक बात बताइए जी, सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से हाँ। कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको दी है। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे एक बात बताऊ मैं आपको, बुरा ना मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होकर झूठे कब धोएगा। अरे जिसका दोस्त कपिल शर्मा उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई, अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चे डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बेटे मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया, मैं जा रहा हूँ। मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं? मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ। थोड़ा साहब लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं बेटे मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है, आप यकीन नहीं करेंगे मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं थी। रोड़ा साहब आपने बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकना तेरे मुंह पे। तुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ, मैं मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गर्मियां बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गर्मियां सिखाया किसने पहले मेरे को बता प्लीज।
हमारा अगला सवाल ये है यार मेरी बात रहा है हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगला ही होता है, कभी पिछला भी हुआ है कभी पिछला सवाल सुना है आपने, लगता है तुम पहली बार कर रहे हो बेटे, मेरे को बिल्कुल ही मजा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं अच्छा मैं एमी एमी की मम्मी बड़ी अच्छी राइमिंग करी, आई लाइक योर डॉटर, यू हैव ओनली वन पीस बेटे आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद नहीं आया अच्छा इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है मुझे तुम बहुत पसंद आए मुझे आप बड़े पसंद आए, मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए अपनी सीढ़ी बदली यार तू कमाल कर खैर प्लीज कृपया कहता खैर खैर होता है खैर मेरा अगला सवाल ये है सलमान खान के डम्बल और इसके फंबल बड़े मशहूर है और भिखारी का कंबल है मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मेरे को हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है, इधर लेते इधर लेते तो इसको जेब में रख ले यार तू इधर नहीं लेते इधर लेते इधर उधर क्यों कर रहे हैं यार साहब प्लीज यार शट अप हाँ जी सर मैं सवाल पूछ लूं हाँ जी पूछो सवाल पूछो शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए वही करना चाहिए शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए बहुत अच्छी बात की कुंडी लगा कुंडी लगाइए तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी आप कितने सहमत हैं मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो उसके भैया ने कुंडी लगाया था तो ये तो अच्छा बात हुआ ना अंदर से लगाया था हम बाहर थे खैर मेरा अगला सवाल ये है बेटे तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने पड़ी होती ना जिसको थूक लगा के मार देते मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया मैं तो कहता हूँ जाओ यार मर जाओ अरोड़ा साहब प्लीज बेटे तुम मैं बात बताना चाहता हूँ तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो क्या मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं जैसे कैटरीना है आलिया है एमी है लेकिन हम जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं ऐसा क्यों ये आपके घर पे होगा बहुत अच्छा मुझे जवाब आया पसंद हमारे घर पे सीमा है मलाइका है बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी औरतें क्या होती हैं ऐसी कैसी ऐसी बेटे ऐसी और कैसी अच्छा इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है अरबाज खान मिलता है ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है देखिए इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे ठीक है देखो अब तो बोलना भी नहीं है बदला ले लीजिए मैं कह रहा हूं बदला लेने पे आएगा सारी चीजें गिरी रहेंगे किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो वो घर जाके लड़की बना लेंगे अच्छा जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे तुम इधर ही खड़े हो अरोड़ा साहब सवाल पूछ लूं मैं अगला हाँ जी बेटे पूछो तुम सवाल पूछने आए दुनिया में मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा बेटे अच्छा मैंने वो जो दिन भी तो बहुत पहले कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो पर मैं आपको चप्पल माना चाहूंगा इस बात के लिए आपने बहुत गंदा सवाल पूछा ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे तुम दरगाह पे बाहर जाओ लोगों को दुआएं दो तुम्हारा 700-750 रुपया
नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे इतनी गंदी बात की ना बेटे लाओ मैं तुम्हें मुंह साफ कर दूं इसमें बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने मुझे पसंद नहीं आई हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं क्यों नहीं है अब हमारे मेरी बात सुनिए आप उधर बैठिए प्लीज बिहेव कीजिए मेरी बात सुनिए एक मिनट अरे जाइए यार आप बात कीजिए जब आपका मैंने बेटे मारे कर रहा है मैंने बेटे तुम्हारे मार दे रहा है तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है यार आप है बेटे मैं कह रहा हूं भाई मैंने गलत सब कुछ नहीं वो सवाल गलत था कराइए आप तो मेरा साथ दो आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे बेटे मैंने चलिए उस ट्रेंड चेंज कराया बेटे मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ मैं कभी कभी आता हूँ एम ए आई लव यू तो आइए एक एक सेल्फी लेते हैं आइए बहुत सेल्फी लेनी मैंने बहुत ज्यादा क्या नहीं आप रहने दो बेटे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.